हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक क्या, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अब बोर्ड पे लिख रखा है कि एपी, ठीक है। तो एपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या फुल फॉर्म होता है एपी का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका हिंदी क्या होता है? समांतर सरणी, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एपी क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज एपी, या कह लीजिए कि समांतर सरणी क्या है, क्या होता है, इसको हम एक डिफिनेशन से समझेंगे। बहुत छोटा डिफिनेशन है, इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो आराम से इसको समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए कि एपी क्या है। तो एपी क्या है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या? सीक्वेंस ऑफ नंबर। किसका सीक्वेंस? नंबर का सीक्वेंस। सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर क्या हो? स्थिर हो, कॉन्स्टेंट हो। देखिए आप पॉइंट सब पॉइंट कीजिए, सीक्वेंस पॉइंट कीजिए, डिफरेंस को पॉइंट कीजिए और कांस्टेंट को पॉइंटेड कीजिए, आराम समझ में आ जाएगा। इसका अगर हिंदी में देखा जाए कि यह संख्या का ऐसा क्रम है जिसका अंतर क्या हो? स्थिर रहता हो। सिंपल समझिए, एपी क्या है? संख्या का ऐसा क्रम है ना, इसको हम कहेंगे अगर एपी क्या है तो संख्या का ऐसा क्रम जिसका अंतर क्या हो? कॉन्स्टेंट हो, स्थिर हो, है ना। द नंबर इज कॉन्स्टेंट, उसका नंबर क्या हो? कॉन्स्टेंट हो, स्थिर हो। अब यहाँ पे एक क्रम आया हमारे पास, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस को भी देख लेते, ये है क्या, अगर आ गया तो पढ़ लेते हैं इसको भी। सीक्वेंस इसका है कि इट इज ए सेट ऑफ नंबर, है ना। ये संख्या का सेट है जो कि अरेन्ज्ड होता है एक डिफिनिट ऑर्डर में। कैसे अरेन्ज होता है? एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेन्ज्ड होता है, ठीक ना। ये परिभाषा देख लिया आपने। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एपी होता क्या। अगर एग्जाम्पल अगर हम समझ गए तो एपी पूरा खुलास, ठीक है, इसको हम समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है, मैंने एक लिए रखा है कि देखिए एक है, दो, तीन, चार, पांच, डॉट डॉट और हंड्रेड। इसको हम बोलेंगे पहला पद फर्स्ट टर्म, दूसरा पद सेकेंड टर्म, तीसरा पद थर्ड टर्म, चौथा पद फोर्थ टर्म और पांचवा पद फिफ्थ टर्म। आइए आपका क्या है? लास्ट टर्म, जो कि अंतिम पद है। आप गौर से देखिए कि यहाँ पे एक टर्म आया था डिफरेंस और कांस्टेंट। डिफरेंस और कांस्टेंट, अंतर स्थिर रहता है। अगर हम गौर से देखें इस एग्जांपल में तो एक और दो के बीच का अंतर बताइए। अंतर मतलब घटा, डिफरेंस। एक और दो के बीच का अंतर एक, दो और तीन के बीच का अंतर एक, तीन और चार के बीच का अंतर एक, और चार और पांच के बीच का अंतर एक, हो गया। देखिए ये पूरे टर्म के बीच का अंतर क्या आ रहा है? एक आ रहा है। चेंज तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसके बीच का अंतर एक है, इसके बीच का अंतर दो, इसके बीच का अंतर तीन। ये सारे टर्म के बीच का अंतर क्या है? एक है। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। इसका अंतर जो है चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, स्थिर है, ठीक है। दूसरा टर्म देख लीजिए, हंड्रेड सेवेंटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर्टी डैश 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 डैश, ठीक है। तो 100 और 70 के बीच का अंतर कितना होगा? 30। 70 और 40 के बीच का अंतर कितना होगा? 30। इसका 30-30 जा रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा है, डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड एपी। एंड द लास्ट वन इज 6666, 6 और 6 के बीच का अंतर 0000 जा रहा है, डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। सीधा कह सकते हैं संख्या के, अगर संख्या का अंतर, दिए हुए संख्याओं का अंतर अगर कॉन्स्टेंट जा रहा है तो क्या होगा? एपी में हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, है ना। यह संख्या का ऐसा क्रम है जिसका अंतर क्या होता है? स्थिर रहता है। एक पॉइंट यहाँ पे आता है, सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर, ठीक है। ये सच एग्जाम्पल्स है। अब हम पढ़ेंगे इसके दो पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसके पढ़ेंगे एपी के। हम एपी का जो है दो टाइप होता है, ठीक है। तो दो टाइप में क्या होता है आपका? पहला टाइप जो है इसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं इसको? फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, फाइनाइट समांतर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहला आपका क्या है? फाइनाइट एपी है। इसके चलिए देखते हैं फाइनाइट एपी होता क्या है। कि द एपी, है ना, द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स। वैसा समांतर श्रेणी, वैसा एपी जिसके पास क्या हो? लिमिटेड टर्म्स हो, यानी जिसका अंत हो, यानी जिसमें अंतिम पद दिया हो। फाइनाइट एपी क्या है? वैसा एपी जिसमें जिसका क्या हो? अंतिम, जिसका लिमिट हो, जिसका अंतिम पद हमें गिवन हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, डैश डैश डैश, हंड्रेड, इसका हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है।
मतलब इसका अंत है, मतलब इसका अंत है, लिमिटेड टर्म्स इसके पास है। तो फाइनाइट एपी क्या है? द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स, वैसा एपी जिसका क्या हो, लिमिटेड टर्म्स हो, है ना, उसका अंतिम पद भी हो। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इस टाइप में अगर रहेगा तो क्या होगा, लास्ट वो आपका फाइनाइट एपी होगा। और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट एपी, है ना, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स, वैसा एपी जिसका कोई अंतिम हो ही नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे 100, 17, 14 डैश डैश डैश, यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, मतलब सीधे समझिए फाइनाइट एपी में क्या हो, जिसका लास्ट टर्म, जिसका अंतिम, जिसका औकात यानी रुकने का हो, ठीक है, वो लास्ट टर्म हो गया, सॉरी वो आपका फाइनाइट एपी हो गया। और दूसरा क्या, इनफाइनाइट एपी मतलब वैसा एपी जिसका कोई अनलिमिटेड टर्म्स, जिसका कोई टर्म्स ही ना हो, अनलिमिटेड हो, ठीक है। तो ये थे आपके एपी के इंट्रोडक्शन, ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 2 के लिए आप वेटिंग कर सकते हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।